हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाना सीखेंगे मक्का की रोटी। बहुत ही फूली फूली और बहुत हल्की, बहुत आसानी से बनने वाली। इसके लिए हमने 3 बाउल मक्का का आटा लिया। ये विंटर डेलिकेसी है। गोभी गोश्त, साग गोश्त, सरसों के साग से बहुत अच्छी लगती है। बहुत आसान तरीके से मैंने इसमें बताई है, कोई भी इसको आराम से बना सकता है। 3 बाउल मक्का का आटा लिया तो 1 बाउल हमने सफ़ेद आटा यानी कि मिल का आटा ले सकती हैं या गेहूं का आटा। उसमें 1/2 चम्मच नमक डाला और पानी डालकर इसको गूंदा। सॉफ्ट डो गूंदना है। इसको गूंद कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एट ए टाइम भी बना सकते हैं। रखेंगे तो ये पतला थोड़ा आटा हो जाता है। पानी इसमें धीरे धीरे करके डालें ताकि आटा सही से गूंद सके। अच्छी तरह से इस आटे को गूंदना होता 5 से 8 मिनट, 10 मिनट तक, ताकि सारा आटा जो है वो लसदार हो जाए। थोड़ा अगर इसमें लस नहीं होगा तो रोटी बन नहीं पाएगी, इसलिए इसको थोड़ी देर तक गूंदें, थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर। जब पूरा तसला साफ़ हो गया और आटा चिकना हो गया तब हम इसको गूंदना छोड़ देंगे। ये गूंद गया, अब हमने इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाई हैं। जैसे सिंपल रोटी की बनाते हैं वैसे ही सूखा आटा लगाकर 1 बड़ा चम्मच आटा गूंदा हुआ लिया, उससे पेड़ा बनाया और वैसे ही चंगेल बनाया जैसे हम सब रोटियों का चंगेल बनाते हैं। सूखा आटा उस पर लगा कर और उसको हमने बेलन से बेला है सब तरफ अच्छे से। रोटी की तरह पतला नहीं होता, रोटी से ज़रा मोटा होता, पराठे जैसा। सब तरफ इसको एक सा बेल लें क्योंकि इसे हाथ पे नहीं बेलना होता है, हाथ पे फैलाना नहीं होता है। इसे हमने तवे पर, गरम तवे पर डाला और इसको सिंपल रोटी की तरह बहुत जल्दी पलटना नहीं होता, इसे 1-2 मिनट, 1 मिनट के करीब सिकने दें एक तरफ से, फिर दूसरी तरफ से सिकने दें। जब एक तरफ से ये चित्ती लग जाए तो हम इसको तवा उतार कर रोटी जैसा सर्कल है वैसी सर्कल में इसको सेकते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से सेकना, कच्ची बिल्कुल ना रहे। दूसरी तरफ से भी इसे 2 मिनट सेकने दिए तो देखिए कितनी सुनहरी दोनों तरफ से सिकी है। ऐसे ही हम दूसरी रोटी भी सेक लेंगे। दूसरी रोटी तवे पे डाली और इसको जो है पलट दिया हमने थोड़ी देर बाद। जब इस पर अब चित्ती लग गई तब हम इसे तवे से हटाकर सेकेंगे। चित्ती लगने में 2-3 मिनट लग जाते हैं। इसमें तवे पे से उतार कर इसको और ऐसे ही गोलाई में किनारों किनारों को सेकते जाएं ताकि किनारे बिल्कुल कच्चे ना रहें। हमारी मक्का की रोटी तैयार।